हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू राजस्थानी धानी, जो कि राजस्थानी थीम पर बनाया गया एक रिजॉर्ट है। ये हैसरगट्टा रोड बेंगलोर में स्थित है। आपने डिफरेंट अदर सिटीज़ में भी इस टाइप के चोखर धानी, चोखी थानी, नखराली थानी के बारे में सुना ही होगा। बस वैसे ही राजस्थानी थीम पे बनाया हुआ ये भी एक रिजॉर्ट है। ये जो रेड कलर की लेफ्ट में आप वॉल देख रहे हैं, बस यही है हमारा डेस्टिनेशन। बट पहले हम कार पार्क करेंगे, फिर एंटर करेंगे। इस जगह की लोकेशन, हाउ टू रीच हियर, एंट्री चार्जेस, एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू एंजॉय हियर एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस प्लेस इज हियर इन दिस वीडियो। कार पार्क कर दी हमने। यहाँ पे हमें कार पार्किंग की कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ा। इस जगह की लोकेशन और कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में आपका वेलकम होगा, तिलक लगाकर और फूल बरसाकर। ये है टिकट काउंटर। यहाँ पर पर्सन आपको 1000 रुपीस पे करने पड़ेंगे। टिकट काउंटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेडिशनल स्टाइल में, राजस्थानी थीम में सजा धजा सा है। टिकट पे करने के बाद आपको टिकट और इस तरीके के कूपन मिलेंगे। कूपन पे हर नंबर किसी न किसी एक्टिविटी की है। जैसे ही आप वो एक्टिविटी करेंगे, उस नंबर को पंच कर दिया जाएगा। सबसे पहले हमने ये एक्टिविटी की, घोड़े की सवारी, यानी कि घोड़े की सवारी। हमें इस तरीके से पहना दिया गया और इन्होंने काफ़ी ढोल बजाए, हमने खूब डांस किया। ये एक्टिविटी रियली हमने बहुत इन्जॉय की। आइए जान लेते हैं यहाँ पे पहुँचना कैसे है। यहाँ से नियरेस्ट BMTC बस स्टॉप है थिरुमलापुरा गेट बस स्टॉप, जो कि ओनली 130 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से आप जस्ट वॉक करके भी इस जगह तक पहुँच सकते हैं। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नागसांद्रा मेट्रो स्टेशन, जो कि 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहाँ से आप ऑटो, कैब या फिर किसी BMTC बस से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अंदर पहुंचने पे सबसे पहला स्टॉल वेलकम ड्रिंक्स का था। यहाँ पर वाटर, ऑरेंज जूस और जलजीरा अवेलेबल था। नेक्स्ट स्टॉल रिफ्रेशमेंट्स का था, जहाँ पे हमें कचौड़ियाँ, कढ़ी और स्प्राउट चाट मिला। लेकिन ये ऑप्शन डेली चेंज होते रहता है, कभी पकौड़ियाँ और कभी दही बड़े भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। रिफ्रेशमेंट्स और ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, तो आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रिजॉर्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत है। पूरा का पूरा राजस्थान इस छोटी सी जगह में बस गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी थी धनुष बाण वाली एक्टिविटी। यहाँ पे अपने तीर से हमें निशाना साधना था। इसके अलावा बलून फोड़ना, राजा रानी के दांत गिराना, बास्केटबॉल, ना जाने ऐसी कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप इंजॉय करेंगे। ऐसे हर एक्टिविटी के बाद आपका जो कार्ड है, जो कूपन आपको दिया गया है, वो पंच कर दिया जाएगा, ताकि आप एक एक्टिविटी एक ही बार कर सकें। सारी एक्टिविटीज़ के बाद जादू का खेल भी वहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन हम उसे बाद में एंजॉय करेंगे, क्योंकि जादूगर ने कहा कि भीड़ होने पे ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे एक ज्योतिषी भी हैं, अगर आप चाहें तो आप अपना हाथ दिखा के भविष्य जान सकते हैं। यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है, जहाँ से मैं ट्राई कर रही हूँ पानी निकालने का। कुएं से पानी निकालना, मिट्टी के घड़े बनाना, ऐसे बहुत सी कलाएँ हैं जो हमें सीखने को वहाँ पे मिली। तो ये चीज़ें गांव के बच्चे आसानी से बिना किसी ट्रेनिंग के सीख जाते हैं, लेकिन हम जो कि सिटी एरिया में रहते हैं, इन चीज़ों से अछूते रह जाते हैं। अभी थोड़ी धूप है, इसलिए हम राइड्स थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी हम वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि छाँव में बैठ के किया जा सकता है, जिसके लिए धूप में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं रिजॉर्ट के टाइमिंग की। रिजॉर्ट 3 PM टू 10 PM ओपन रहता है। आई विल सजेस्ट आप 3-4 बजे तक आ ही जाइए, ताकि सारी एक्टिविटीज़ आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं और बीच बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं। शाम को यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो हर एक्टिविटीज़ के लिए आपको थोड़ा
वेट करना पड़ेगा क्योंकि और भी लोग क्यू में रहेंगे। रिजॉर्ट में जगह जगह पर इस तरीके से खाट लगी हुई थी जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं या फिर लेट भी सकते हैं। अभी कहीं कहीं पे बहुत तेज़ धूप थी और कुछ जगहों पे छांव थी। जहाँ पे छांव थी वहाँ पे अच्छी हवा भी चल रही थी, तो आप आराम से खाट में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद बिलौने से निकाला हुआ छाछ हमने पिया और बिलौना चलाना भी सीखा। अब हम आ गए हैं राजस्थानी डांस एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इतना सारा खाया पिया जो है उसे पचाना भी तो ज़रूरी है। डांस तो हो गया, उसके बाद था हुक्का बार जो कि हम एंजॉय करने वाले नहीं हैं क्योंकि हम इतने शौकीन नहीं हैं। डांस करने के बाद ऊपर जाके हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। आगे जाके हम एंजॉय करने वाले हैं बाजरे की रोटी। तो यहाँ पे ये मैडम बना रही है बाजरे की रोटी बिल्कुल ट्रेडिशनल चूल्हे पे। यहाँ पे बाजरे की रोटी को घी में नहलाकर लहसुन मिर्च की चटनी के साथ और गुड़ के साथ सर्व किया जाता है। ये है यहाँ का एक छोटा सा हॉल जहाँ पे आप अपनी बर्थडे पार्टी या फिर मैरिज एनिवर्सरी एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो आप ढोल वाले को भी बुला सकते हैं। धूप थोड़ी कम हो गई है तो अब बारी है राइड्स की। सबसे पहले हमने किया कैमल राइड। राइड्स तो और भी बाकी है, बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि शाम को भीड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हर राइड पे क्यू है, इसलिए हम पहले आ गए ये लोक संगीत एंजॉय करने। आगे जो भी राइड्स अभी बची हुई हैं वो करने हम जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे बैलगाड़ी की सवारी, उसके बाद हॉर्स राइडिंग और भी आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी बाकी है। यह है राजस्थानी पपेट शो, तो शाम की चाय के साथ हमने पपेट शो एंजॉय किया। यहाँ पे हर एक्टिविटी के बाद ये कहते हैं राम राम सा। यहाँ पे राम राम सा का मतलब है टिप प्लीज, मतलब टिप दीजिए, बट इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और आपकी इच्छा है तो आप टिप दे सकते हैं, अदरवाइज सारी एक्टिविटीज़ आपके एंट्री चार्जेस में ही इंक्लूडेड हैं। सारे राइड्स को इन्जॉय करने के बाद अब पारी थी चंपी की। अरे बट चंपी वाले भैया तो थे नहीं, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था इसलिए हमने सारे रिजॉर्ट को सूट कर लिया। तो ये देखिए रिजॉर्ट ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है। चंपी वाले भैया के आने के बाद आदि और अजय ने चंपी कराई। ये देखने में ही काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा था और मैंने जाके फिर मेहंदी लगवाई। आइए देखते हैं मैजिक शो। ये भी एक कला है जिसपे आप अपना हाथ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कलाकार है वो पधारो हमारे देश वाला जो ट्रेडिशनल राजस्थानी सॉन्ग है वो गा रहे हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं इनका संगीत, उसके बाद यहाँ का कालरेलिया डांस हम एंजॉय करने वाले हैं। इस डांसर ने सिर पे मटके रखे हुए थे जिस पे आग जल रही थी, फिर उसने कील पे और कांच के ऊपर खड़े होके डांस किया जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। ऐसी जगहों पे अगर आपको लगे तो टिप दे सकते हैं। अब चलेंगे खाना खाने, यहाँ की प्रॉपर राजस्थानी थाली।
यहाँ पे बिल्कुल पारंपरिक तरीके से आपको ज़मीन पे बैठ के खाना खिलाया जाएगा। यहाँ पे खाने के लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स थी, तो आप ज़मीन पे बैठ के और सिर पे इनकी राजस्थानी टोपी पहन के खाना खा सकते हैं। खाने में काफ़ी सारी वैरायटीज थी, थोड़ा थोड़ा खा के ही हमारा पेट भर गया। राजस्थानी कल्चर वाकई में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, जिसकी छवि आपने इस वीडियो में देखी ही होगी। खाना खा के पेट भर गया है, थोड़ा रेस्ट करके अब हम चलते हैं घर की ओर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम साहब।